हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन बताने आया हूँ। प्रश्नावली 1.3 बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1.3 में पेज नंबर 16 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर नहीं है जीरो। क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है वन में 0.6 पर एकरी, दूसरा है 0.47 पर एकरी, तीसरा है 0.001 पर एकरी। तो सबसे पहला प्रश्न है 0.6 पर एकरी। लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पर एकरी। पहला प्रश्न यही है, माना कि x बराबर 0.6 पर एकरी। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x बराबर हो गया 0. रेकरिंग का मतलब होता है वह अंक बार बार आएगा, अनंत तक आएगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। तो 6 का मतलब हो गया 0.666। कम से कम तीन बार लिखेंगे डॉट 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 समीकरण एक। फिर लिखेंगे समीकरण एक में जो एक अंक का है तो वह 10 से गुना करेंगे, यदि यह दो अंक का रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, तीन अंक का रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। फिर से सुनिए, यदि एक अंक का है तो 10 से गुना होगा, दो अंक का है तो 100 से गुना होगा, यदि यहाँ तीन अंक है तो 1000 से गुना होगा। तो समीकरण एक में, यहाँ देखिए समीकरण एक में x का समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कीजिए, 10 गुना x 10x बराबर 666 तीन बार है तो यहाँ पर एक बढ़ाक लिखेंगे, तीन बार है तो यहाँ चार बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 10 से जब गुना करेंगे तो इसका दशमलव के बाद जो इधर से गिनाएगा, एक जीरो में एक अंक हटेंगे, दो जीरो से गुना करेंगे तो दो अंक हटेंगे, तीन जीरो से गुना करेंगे तो तीन अंक हटेंगे। तो यहाँ पर एक जीरो है 10 में, तो यहाँ पर हम क्या किए, 3 6 6 है तो हम 4 6 6 लिखे और एक अंक के बाद दशमलव दिए, तो 6.666 डॉट डॉट समीकरण दो हो गया। लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर, तो समीकरण दो में, तो समीकरण दो ये है, इसको लिखेंगे आगे, इसको लिखेंगे पीछे बराबर, ये 666 जो है इसको ब्रैकेट में लिखे डॉट डॉट और बीच में दिए माइनस, इसको लिखेंगे ऊपर में पीछे 0.666 डॉट डॉट डॉट। कैसे घटाएंगे, कैसे बताए, ये आएगा आगे, इसका एक्स जाएगा पीछे, ई आएगा आगे और ब्रैकेट से घेर दिए और इसको लिखे 0.666 डॉट डॉट। अब 10 में से घट गया 9x, यहाँ पर देखिए 6 3 6 में 3 6 घट गया तो 6.0 में घटेगा तो 6 बचेगा, या आप इसको अब रफ भी कर सकते हैं 6.666 है, ठीक है। अब 0.666 घटाइएगा तो 0.006 होगा, यानी 6.00 का मतलब हुआ 6, सिर्फ 6। तो वहां यहाँ पर यही लिखे हैं 6.00, 9x बराबर सिर्फ बचा 6x बराबर 6/9, 3 से 6 दो बार में, 3 से 9 तीन बार में कट गया, तो x का मान हो गया 2/3, यानी इसलिए p बटे q बराबर x, x का मान कितना आया 2/3, यही हमारा आंसर हुआ। ये हुआ लॉन्ग मेथड, इसका एक शॉर्ट मेथड होता है जो एक लाइन में बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसका शॉर्ट मेथड समझा रहे हैं, शॉर्ट मेथड यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड क्या है कि प्रश्न लिखिए 0.6 पर रेकरिंग है, इसका तरीका है कि 6 ऊपर लिखेंगे, एक अंक पर रेकरिंग है तो आपको 1 9 लिखना है, दो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो दो अंक लिखेंगे, तीन अंक पर रेकरिंग होगा तो 3 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 6/ हो गया, एक अंक है 6 तो 1 9, दो अंक का रहता तो 2 9। अब देखिए 30 6 दो बार में, 300 9 तीन बार में 2/3, देखिए इसका भी आंसर आया है ना 2/3। कहने का मतलब है, इसको बनाने के लिए एक बार और आप समझिए, पहले 0.6 पर रेकरिंग, माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, x बराबर 0.6 पर रेकरिंग का मतलब है 6 6 6 अनंत है, लेकिन लिखेंगे 3 6 6 6 डॉट 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 समीकरण एक। समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, इसके नीचे आपको लिखना है समीकरण एक में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना कीजिए 10x, यहाँ पर 3 6 पहले 4 6 लिखेंगे, 1 0 है तो एक अंक हटेंगे, 2 0 रहेगा तो इधर 2 अंक हटेंगे, 3 0 रहेगा एक पर तो इधर 3 अंक हटेंगे। 10 से गुना ही क्यों करेंगे, एक अंक का रहेगा तो उसको 10 से गुना करना है,
यदि दो अंक रहेगा तो 160 करेंगे, यहाँ तीन अंक रहता तो 1016 करते। तो यहाँ चलते हैं समीकरण दो में, समीकरण एक को घटाने पर ये हमारा समीकरण एक हो गया और ये हो गया समीकरण दो। समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर देखिए ये 10x आगे आया, ये x पीछे आया, बायां को बायां घटाएंगे, दायां को दायां, फिर इसको लिख लिए आगे डॉट डॉट, इसको लिख लिए पीछे डॉट डॉट, 10 में से ये घट गया 9x, फिर 6 में घटाना है तो देखिए 6 6 6 तीन बार लिखे 0.66 घटा दीजिए 0 0 छ में 0 गया 6 6.00 मतलब 6 सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ 6 9x बराबर 6 x बराबर 6/9 306 दो बार में 309 तीन बार में 2/3 इसलिए p/q बराबर हुआ x x बराबर 2/3 आंसर p/q बराबर x x बराबर 2/3 आंसर। साथ ही साथ आपको p/q के रूप में इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे a b c में ये दिए हुए 0.8 0.3 पर रैंकिंग 0.4 पर रैंकिंग 0.7 पर रैंकिंग 0.9 पर रैंकिंग, ये सभी हिसाब इसी नियम पर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पर बनेगा। स्टूडेंट्स आप हमारे यूट्यूब चैनल एजे पंकज मैथ गुरु को जरूर देखें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें और बेल आइकॉन को प्रेस करने के बाद उसके ऑल को जरूर टच करें। साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशन न्यू वीडियोज का आता रहेगा, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आवे और उसको बार बार आप देखें और हमारे YouTube चैनल एजे पंकज मैथ गुरु को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैथ को के ज्ञान को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे छात्र स्टूडेंट्स इसको आसानी से समझ सके और मैथ का योगदान शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में भी। आप अधिक प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, जरूर आप सफल होंगे और मेहनत करने वाले को एक ना एक दिन सफलता मिलती है, इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत करें, आलस्य नहीं करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।